गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वैसे एक रेंज में रहने वाला है और सेलिंग के प्रेशर में ही रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, मतलब 3 नवंबर को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। 3 नवंबर एक बहुत बड़ा दिन है, US में इलेक्शंस हैं और मार्केट इसको कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा इसको रिएक्ट करेगी वो देखने की कोशिश करते हैं। आज की मार्केट में क्या रहा पहले वो देख लेते हैं। ये डेली चार्ट लगा हुआ है और डेली चार्ट आज का अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो बेसिकली हालांकि एक इनडिसीजन का माहौल बना आज भी, बट एक बाइंग प्रेशर डाउन साइड से देखने को मिला। हालांकि वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, वॉल्यूम में सेलिंग ही दिखाई दे रही है कि यहां से माल छोड़ा गया है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है और लोग कॉन्फिडेंट नहीं है शायद कल के इवेंट को लेके। बट ये जो भी बाइंग रही है, बाइंग बैंक निफ्टी के द्वारा सपोर्ट की, जो बैंक से उन्होंने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक जैसे शेयर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और सभी बैंकिंग शेयर्स चले, तो बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिला जिसने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया। निफ्टी के मेजर शेयर्स गिरे हैं और बैंक निफ्टी के शेयर्स बढ़े हैं, बट फिर भी बैंक निफ्टी बढ़ने के बावजूद भी निफ्टी को बढ़ाने में कामयाब नहीं हुई। एक बार लग रहा था कि 700 से ऊपर निफ्टी क्लोजिंग आनी चाहिए, बट निफ्टी क्लोजिंग 700 से ऊपर नहीं आई और उसको फेल हुई, वो वापस से रेड जोन में ही बंद होती दिखाई दी। अब कल का क्या सिचुएशन रह सकती है दोस्तों, मैंने एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क किया है आपके लिए। ये क्या है, एक कुछ मैंने सर्कल भी मार्क किया, देखिए ये एक जोन मैंने मार्क किया है 11,773 का, आप ये येलो देख सकते हैं कलर को, 773-772 पकड़ लीजिए, बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, बहुत ही मेजर, ठीक है। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर दिए हम फर्दर अपसाइड में बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्या मार्केट ने इसको पहले भी टच करने की कोशिश की है, देखिए ये रहा हमारा 31 अगस्त का हमारा एक लेवल था जो इसने यहाँ टच किया था, हाल फिलहाल उसके आसपास निफ्टी चल रही है, और उससे पहले भी देखिए यहाँ पे फिर टच किया था, यहाँ फिर टच किया था, यहाँ से ब्रेकडाउन आया था इस लेवल को जब उसने तोड़ा था, यहाँ से फिर टच किया था उसने 29 अक्टूबर के आसपास में 2019 को, और यहाँ से फिर उसने 3 अप्रैल 2019 को, और पीछे तक भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मेजर सप्लाई जोन है, मेजर सप्लाई जोन 28 अगस्त 2018 में, 18, 19, 20 में लगातार ये जो जोन है 11,772 इज एक्चुअली एक्टिंग एज रेजिस्टेंस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। देखिए छोटा करने पे पता लग रहा है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मतलब ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस इट, ठीक है। जहाँ जब भी उसको फेल करती है वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। सो दिस टाइम ऑल्सो देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन दिस लेवल, और यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल, क्या सपोर्ट हो सकता है। निफ्टी का लोअर 11,557 का, 11,557 का, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। मैंने आपको पिछली अगर वीडियोज आप देखेंगे आगे तो वहां भी कहा था कि 555 के आसपास निफ्टी आएगा, जरूर आ सकता है, और यहां से जो अगला सपोर्ट बनेगा दैट विल बी 11,449, 11,342, दीज वुड बी द लेवल। बट अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आता है, लोग ट्रॉल कर रहे हैं कि ये तो आदमी मंदी में बैठ गया है, बियर हो गया है, लोग शायद भूल गए हैं मैं ट्रेंड ट्रेडर, मैं ट्रेंड के साथ चलता हूं, जो मुझे ट्रेंड समझ में आता है मैं बताता हूं। जैसे ये शार्प फॉल सस्टेन नहीं किया और बाजार ने एक शार्प रिकवरी दी, ऐसे ये शार्प रिकवरी भी सस्टेन नहीं करेगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। ये प्रॉफिट बुकिंग किस हद तक आ सकती है आप वो देखिए, अपने खुद के लेवल्स मार्क करना जानिए, मार्क कर सकते हैं। ये एरिया है 9,980 के आसपास में, या 10,000 को पकड़ लीजिए, ये एक मेजर एरिया होना चाहिए जो टेस्ट होना चाहिए। पूरे मुंह को भी अगर देखा जाए, यहाँ 7,500 का जो लेवल से निफ्टी चली थी, 7,500 से निफ्टी ने 12,000 के लेवल को टच किया, 12,000 के लेवल को टच किया, तो मोटा मोटा 5,000 पॉइंट्स निफ्टी चली है विद इन नो टाइम, विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर ये 5,000 पॉइंट्स निफ्टी चल गई है तो यहाँ से कम से कम 30-40% का करेक्शन भी इसको 10,000 के आसपास लेके आ सकता है, 50% का मूव भी आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। उसके पीछे बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारी रीजन्स हैं जो बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, आप उस सीरीज ऑफ वीडियोज़ को देख सकते हैं और उसमें सभी में वो रीजन्स मैंने मैंशन किए, तो यहाँ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इसी को लेकर। यहाँ समझिए कल के दिन में क्या हो सकता है, कल के दिन में अगर आपको बाइंग करनी भी है, अगर आपको कोई रिस्की ट्रेड लेना है, कि मैं बाइंग के सपोर्ट में नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो आज के दिन में भी आप देखिए वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, वॉल्यूम में सेलिंग होती दिखाई दी है और कंफ्यूज रहे हैं लोग कि ये मार्केट में अब क्या होगा, तो लोग इवेंट्स की वेट कर रहे हैं। इंडिया में भी बिहार में इलेक्शंस हैं, US में इलेक्शंस हैं, तो यहां पे एक बहुत बड़े बड़े इलेक्शंस का क्राइटेरिया सामने आ रहा है, मेजर इवेंट्स हैं, लोग देखना चाहते हैं। और निफ्टी अगर 7,772 को क्रॉस करेगा तभी बाइंग करेंगे, वरना आप सेलिंग में सेल एंड राइज का ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, 772 के स्टॉप लॉस के साथ में, नीचे में जो बाइंग करना चाहते हैं तो 11,556-557 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग कीजिए, मेजर सपोर्ट रहने वाला है। इस बार अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो निफ्टी को नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता,
मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको निफ्टी के जो लेवल्स नज़र आएंगे, जो समझ में आएंगे, ये गैप है, एक गैप फिल होता दिखाई देगा। यहाँ से निफ्टी 11,450 के आसपास आ सकती है और 11,450 एक मेजर लेवल रहने वाला है, जो लेवल टूटने के बाद में निफ्टी बहुत ही तेज़ी से 11,340 की तरफ स्लाइड कर सकती है। तो कल के इंट्राडे के जो लेवल रहेंगे, जो बाइंग अगर करना चाहते हैं तो 690 से ऊपर में इंट्राडे के लिए बाइंग कर सकते हैं, 20-30 पॉइंट ले सकते हैं, बट 772 से ऊपर में जो पोजिशनल बाइंग करना चाहते हैं वही बाइंग करेंगे, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस आना चाहिए इंट्राडे का 650 से नीचे में, 650 से नीचे निकलता है तो इजीली 600 फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट 525 एंड थर्ड टारगेट शुड बी 453, उसके नीचे ब्लड बाथ और फ्री फॉल निफ्टी का स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर इवेंट्स पे नजर रखिएगा दोस्तों, जितने भी लेवल एनालिसिस है, ये मेरी अपनी स्टडी है, तो प्लीज़ किसी भी लेवल पे ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस कर लें, क्योंकि किसी भी लेवल पे अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो आई शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द डिस्क्लेमर विच यू हैव टू फॉलो अनफॉर्चुनेटली। सो डू योर एनालिसिस इफ यू ट्रस्ट माई स्टडी, मैच इट विद योर स्टडी एंड देन टेक अ ट्रेड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।